हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जिसने भी जो भी पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आगे हम ऐसे वीडियो और डालते रहेंगे। सो प्लीज डेकोरेशन के लिए हम बताते हैं आपको घर में कैसे कुछ भी बना सकते हैं। सो रेडी फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए प्लास्टिक की चम्मच, स्ट्रो, ग्लू गन और थोड़ा सा पुट्ठा होता है ना, उसकी पत्तियाँ बनाई है। तो अभी हम ये भी आपको बताते हैं कैसे बनानी है। तो ये बनानी, ये लेना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो चम्मच है इनको ये चीज़ हटा देते हैं इसकी। एक फ्लावर में पांच चम्मच का सेट बनता है, तो पांच चम्मच लगानी पड़ती है एक फ्लावर तैयार करने के लिए। सो आप देख लीजिएगा आपकी जिस हिसाब से चम्मच हो, जब भी आप बनाओ तो उनको सिक्वेंसली रख देंगे फ्लावर के अकॉर्डिंग। जैसे फ्लावर होता है ऐसे रख। तो ये एक पेपर लिया है, उसमें से हम पत्ती का शेप काट लेंगे एक इस तरह से। हमने इसमें पत्ती बनाई हुई है तो इसमें ये पत्ती का शेप काट के, फिर जो एक आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का एक पुट्ठा पड़ा हुआ हो ना, तो उसमें से आप थोड़ा मोटा सा पत्ती का शेप देके उसको काटिएगा। अब जैसे हमारे पास ये पड़ा हुआ है एक, तो इसको हम इस पे रखने के बाद इसमें इसका शेप दे देंगे पत्ती का। और इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी पत्ती तैयार है। अब हमने ग्लू गन गरम करने रख दिया था, तो उसमें इसे एक बीच में लाइन करेंगे और पत्तियों की तरह। इसमें शेप देंगे। सो ये सूखता है जब तक, और ये स्टिक है जो टूथपिक की तरह बड़ी स्टिक होती है टूथपिक की, तो उसमें से इसको बराबर बराबर से इसको तोड़ लेंगे, तो इसमें लगाने के लिए काम आएगा। ये कागज की सहायता से इसको चिपका देंगे टूथपिक को इस पर इस तरह। तो इससे क्या है, ये ऐसे ही का रहता है, ऐसे ही का ऐसा रहता है, ये इसमें कुछ भी हटता नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लावर के लिए देखिए चम्मच है जो, तो देखिए उनको ऐसे सिक्वेंसली लगा लेंगे इस तरह से, और फिर इसको इसके ऊपर ग्लू गन डाल देंगे राउंड्स में, जो एक दूसरे से टच होके ये लग जाएगी। इसी तरह थर्माकोल के फ्लावर्स आते हैं, इस तरह के होते हैं वो, तो आप इसके बीच में एक ये फ्लावर लगा सकते हो। इसके लिए एक तार लेना पड़ेगा जो
आपके पास कोई भी तार हो, ये वाला हमने केबल का तार होता है ना वो लिया है, तो उसमें जो अंदर का तार, जो बस एक जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हटाइए, तो इसलिए ये इतना मोटा दिख रहा है। तो इसमें जो अपनी स्ट्रॉ है ना इसको फंसा देंगे और इसमें शेप दे देंगे, फिर इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। फिर इस अब ये हमने सिल्वर कलर का स्प्रे लिया है, आप कोई भी कलर का, आप जो भी कलर करना चाहते हैं तो वो ले सकते हो आप। तो उसको कलर करने के लिए स्प्रे मारना पड़ेगा। अभी रुक जा, जो भी फ्लावर्स बनाए हैं और ये फोन बंद करना है, देखिए इस तरह से इस पे कलर हो जाएगा तो फ्लावर की तरह ही ये दिखने लगेगा फिर। जो भी हमने बनाया है, जो तार हैं ये, इन पे सब पे स्प्रे करना पड़ेगा आपको एक बार, फिर ये कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए हमने इसमें सिल्वर कलर से स्प्रे किया है तो इस तरह से फ्लावर दिखने लगा है। अब इसमें आप कोई भी कलर, जो ये ऊपर फ्लावर लगाया है उस पर कोई भी कलर कर सकते हो आप, और जैसे हम गोल्डन कलर कर रहे हैं अभी इसमें, क्योंकि पूरा जो फ्लावर है वो सिल्वर कलर का है तो गोल्डन कलर थोड़ा अच्छा उभर के दिखेगा इसमें, इसलिए इन सारे फ्लावर्स पे गोल्डन कलर कर लीजिए।